Welcome back to my channel. I am Anushka. For this video, I am going to show video a vlog. बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ. So अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं एक बज के एक मिनट. तो वही एंड सुबह तो कब का हो गया था, अभी एक बजे मतलब दोपहर. एंड वही तो मतलब दिन बहुत लंबा लग रहा है आज, बहुत ज़्यादा लंबा. सो इसलिए मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया. तो कल परसों उसके पहले दिन मैंने बहुत सारे इंट्रोस ले रखे हैं, लेकिन मैं व्लॉग कंटिन्यू करना भूल जाती हूँ. लेकिन आज सोचा कि रात तक व्लॉग कंटिन्यू करना है. सो वही, क्योंकि वीडियो देने के लिए और कुछ है नहीं. और आप लोगों को मैं एक बात बोलती हूँ, मैं एक मेकअप वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग मुझे बोलिए बंगाली ऑप्शन. मैं आप लोगों को ऑप्शन देना चाहती हूँ, बंगाली मेकअप लुक और असमीज़ मेकअप लुक. तो इन दोनों में से एक मेकअप मैं करूँगी. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप अगर कमेंट करते हो तो उसके साइड में आप लोग लिख देना आपको कौन सा मेकअप लुक देखना है, बंगाली या फिर असमीज़. और वही. सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं कुछ बनाऊँगी. सोच रही हूँ कि रेमन मैगी नूडल्स बनाने की सोच रही हूँ मैं. और वही, तो उसके लिए तो एग वगैरह और वेजी वगैरह चाहिए होता है. तो मैं सब कुछ रेडी कर लेती हूँ और सब कुछ अगर चीज़ें है तो ही बनाऊँगी, अगर कुछ नहीं है तो नहीं बनाऊँगी. मैं देख लेती हूँ, मैं डायरेक्ट अगर सब चीज़ है तो मैं बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को बोल लूँगी कि कुछ नहीं है गाइस, नहीं बनाऊँगी. सो देखते हैं मैं अभी क्या है घर में बनाने. नाउ आई एम गोइंग टू सुट अप. अगर कोई अच्छी नाम मिले तो उसको दे देना. हाँ जी. सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू मेक देसी रामेन नूडल्स. और मेरा जो एप्रोन है वो गले से भी पार हो जाने वाला है, क्योंकि मतलब मैंने बहुत ऊपर चढ़ा के रखा है, इसलिए क्योंकि ये मेरे पे बहुत ज़्यादा ढीला होता है. सो अभी मैं बनाऊँगी रामेन नूडल्स. दीदी गैस को ऑन कर रही है. और अब अगर आप लोगों को कुछ नाम देना है देसी टाइप का, आप लोग दे सकते हैं. मैं देसी तरीके से ही बनाऊंगी. बाकी दिख रहा है वैसे, लेकिन मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, उसका तो रेसिपी का आर भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ मतलब अलग ही कर दिया. तो ये रामेन नूडल्स बना या फिर हमारा देसी मैगी क्या बनेगा पता नहीं. तो अगर रामेन नूडल्स बना तो रामेन नूडल्स बोलूंगी, अगर मैगी बना तो मैगी बनाऊंगी, मैगी बोल. रामेन एंड देसी रिमिक्स. हाँ, रामेन एंड देसी रिमिक्स. सो गाइस, हियर इज आवर रामेन नूडल्स. रामेन नूडल्स तो बहुत टेस्टी है, बट ये अंडा बिल्कुल टेस्टी नहीं है. ऊपर से थोड़ा सा खा के देखा था और हमसे तो नहीं हो पाएगा ये हाफ फ्राई एग. सो अभी दीदी ये इसको मतलब ऊपर से लेके फिर से फ्राई करेगी एकदम देसी अंदाज में, और उसके बाद दीदी और मैं खाएंगे. गुड इवनिंग. सो अभी शाम का वक्त है एंड तब जो रामेन नूडल्स खाया था बड़ा ही वाहियात टेस्ट था. मतलब जो लोग मसाले खाते हैं वो लोग खा सकते हैं, लेकिन हम लोग दीदी और मैं इतना मसाले वगैरह नहीं खाते, तो इसलिए हम दोनों से तो इतने अच्छे से अंदर नहीं गया. थोड़ा सा खा के फेंक दिया, मतलब खाया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, वाहियात भी नहीं, खाने लायक था बट इतना अच्छा नहीं था. एंड वो और हाफ फ्राई जो एग बनाया था उसके ऊपर वो भी बड़ा वाहियात, वो ना मतलब एकदम वाहियात से भी हटकर था वो एग. हाफ फ्राई एग दीदी और मुझसे अंदर नहीं जाता है, वो स्मेल करता है बहुत ज़्यादा. तो अभी दीदी बना रही है पनीर और मैं अपने हेयर वगैरह कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल बड़ी वाहियात देख रही हूँ, मतलब भूत की तरह दिख रही. टाइगर का डिनर मतलब पेडिग्री रेडी है, तो उसको खाना है. देखो उसको सता रही हूँ, कब से मुझे भगा के, ये देखो पसीना पसीना हो गई हूँ, उसको पकड़ नहीं पा रही थी मैं. उसको रात को छोड़ दिया जाता है, एकदम खुला रहता है रात को, सुबह नहीं खोल सकती. सुबह कभी कभी अगर मैं देखती रहती हूँ तभी खोल देती हूँ, वरना बंदा रहता है. इतना बदमाश है.
इसको। और अगर इसको मतलब पेडिग्री में यहाँ पे अच्छे से ले रही हूँ ऐसे, मतलब उसको पूछती हूँ कि और दूध आएगा और दूध, वो ऐसे थोड़ा सा सिर ऐसा करके वो वैसा करता है, खाना खींची।